खरीदने के लिए। थैंक यू स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। सो आज हम दोनों इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहे हैं हम लोग के गांव में किसी प्रकार के कुत्ते हैं और सभी के घर में जाके पूछेंगे उन लोग को और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे उन लोग को। ठीक है, तो लास्ट तक बनिए रहिएगा। जो चलिए देखते हैं। अरे हम लोग का गाँव देखिए गाँव। कुत्ता का नाम क्या है? मेरे कुत्ते का नाम माशा है। माशा है? ओ, क्या खाता है ये? माम खाता है? ओ, आप हमेशा देते हो? नहीं। क्यों? बदमाश है। बदमाश है ये? अभी निकल गया बाहर। आ रहा इधर ही। सो थैंक यू। तो अभी हम लोग दूसरे घर चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बनिए रहिएगा। आइए देखते हैं। क्या है? नमस्ते। एनांग बुटिया। एनांग बुटिया हाँ जी। आपका कुत्ता का नाम क्या है एनांग दा? अभी मेरा जो घर में पाला हुआ कुत्ता है वो आपका हिमालयन शीप और जो हिमालयन माउंटेन भी कहता है कुत्ता है। आप दिखा सकते है? क्यों नहीं, आपको जरूर मैं दिखा दूंगा। तो दिखाइए ना। जो कुत्ता है ये मेरा वाला घर का कुत्ता, ये आपका जो हिमालयन शीप या नहीं तो आपका जो हिमालयन मैस्टिक भी कहता है। और जो अभी मेरा पास जो ब्रीड है उसको मैं अभी बचा के रखा हूँ क्योंकि ये आपका एकदम रेयर अब खत्म हो चुका है। पहले जितना था जमाना में टाइम में अभी वैसा वाला नस्ल वाला कुत्ता नहीं मिलेगा। ये है हमारा, इसका जो नाम है मिस्टर डॉन, मिस्टर डॉन। और इसका जो बगल में ये वाला, ये आपका डायमंड, ये दिखाई दे रहा है। ये हमारा स्कूल ग्राउंड। अभी किसी को चाहिए तो ये ब्रीड वाला मेरे यहाँ से मेरे को कांटेक्ट करने से आप लोग को मिल जाएगा। और इसको हम लोग खिलाता है इतना बड़ा बड़ा जो बोन या हड्डी जो गोरु का बीफ का बड़ा बड़ा बोन और को देना पड़ता है इन लोग को। और इसका जो अभी एज हुआ है आपका 14 मंथ, 1 साल 2 महीने हो चुका है। और ये जो अभी छोटा छोटा बच्चा है ये आपका 2.5 महीना हो गया है। अभी जो ये हमने पहले ये जो संदकपू से लेके आया था उस टाइम इसका माँ और बाप वो दोनों अंदर है। अभी वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। जो ये मेल है जो मेरा घर का, इसका नाम है काले। जो इसका एज हो गया अभी आपका 9 ईयर्स ओल्ड, 9 साल पूरा हो गया है। अभी 10 साल में रनिंग है लेकिन अभी तक भी ये एकदम स्टील है, आपका मजबूती है। ये इतना देखने में आपका उसका जितना एज हुआ है उस टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका डाइट भी अच्छा है और इसका और एक्सरसाइज रोज को एक्सरसाइज भी कराता है इसीलिए। और ये जो अंदर दिखाई दे रहा है दूसरा वाला, ये आपका फीमेल है। इसका साल हो गया, इसका एज हो गया अभी आपका 5 साल उम्र। ये इन लोग का बच्चा है अभी जो दिखाया था इन्हीं का बच्चा, ये लास्ट ईयर का है दोनों बड़ा, जो ये 2 छोटा है अभी 1 साल का है। और जो ये अभी जो ये कुत्ता है अभी मिलता है हर जगह पर लेकिन आपका उतना अच्छा वाला नहीं मिलता है क्योंकि उसमें आपका अभी आजकल बहुत सारा मिक्सिंग हो चुका है क्योंकि आपका जो
पहले का जैसे नहीं होता है। पहले जमाना में जब हम लोग छोटा था उस टाइम एकदम ओरिजिनल प्योर ब्लड का डॉगी मिलता था, अभी नहीं मिलता है, अभी मिलना छोड़ गया है। इसीलिए मैं इसको थोड़ा बचा कर रखा हूँ, क्योंकि बाद में ये ख़त्म, ये नस्ल ख़त्म होना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पछताएगा सब लोग। जो हमारा क्षेत्र पहाड़ में मिलता है उस कुत्ता का भी हम लोग फोकस देना चाहिए, क्योंकि आपका सब टाइप का मिलता है, आपका लैब्राडोर जर्मन शेपर्ड सब होता है, लेकिन वो जैसा वो वाला जैसा नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं मिसी का के घर में, वहाँ भी एक वाइट कलर का कुत्ता है, तो उसके बारे में पूछता है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। वाजी वाजी वाइटी, इसके बारे में जानने के लिए आए, देखिए ये स्वागत कर रहे हैं हम लोग का। आज हम लोग आपके यहाँ आपके कुत्ते के बारे में जानने के लिए आए, कुछ जानकारी दीजिएगा। तो आपका कुत्ता का नाम क्या है? मेरा कुत्ता का नाम वाइटी है। ये किस कलर के लिए? इसलिए व्हाइट कलर वाइटी, इसलिए वाइटी वाइटी। तो ये किस टाइप का कुत्ता है? जैसे कि होता है ना टिबेटियन मैस्टिफ, जर्मन शेपर्ड, हस्की, कैसे टाइप का है? ये अफ्शू है। अफ्शू? अफ्शू। ओ, आप इसे कब से पाल रहे हैं अपने घर पे? 3 साल हो गया। इंजेक्शन विंजेक्शन वगैरह लगाया है कि नहीं लगाया है? वो मेरा कार्ड भी है। कार्ड भी, तो आप सभी को पता होगा अभी इस कुत्ता के बारे में सब पता चल गया, तो हम दूसरे कुत्ते दिखाने जा रहे हैं। बाय बाय वाइटी, बाय बाय। अब चलते हैं हम दूसरे घर। वाइटी देखिए देखिए ये कितना, देखिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट दूसरे घर में पूछने के लिए। देखिए देखिए हमारा कुखरा पारे, लोकल कुखरा यहाँ पे, दूसरा 2 केजी का कुखरा उधर पे भी है, देखिए चिंगना उधर पे देखिए बेटी। एक भाई है, तो हेलो भाई। हेलो, आपका नाम क्या है? नाम जसर है। ये कुत्ता आपका है? हाँ। ओ, इसका नाम क्या है? ब्रूडी। ब्रूडी। ओ, आप खाने में क्या क्या देते हैं इसको? मासुबात। ये कितने साल का है? ये 10 साल का है। 10 साल का है? 10 साल का ही ना, देखिए कितने साल का है। आपको इतना सोचना पड़ा? आपको पता नहीं था? तो थैंक यू सो मच जेसन, आपको इतना जानकारी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू जेसन, जानकारी देने के लिए। अभी हम लोग को उधर पे भी जाना है, वो घर में एक काम करता है भाभी जी। अब आ गए घर पे इधर, तो इधर कुत्ता और उनके मालिक मालिक को मौक कर रहा है, मालिक प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मालिक ये कुत्ता, ये देखिए, ये टिबेटियन मैस्टिफ। सो हम इस कुत्ते के मालिक को पूछते हैं, तो इस कुत्ता का नाम क्या है? इधर इधर 900 तो दूध ज्यादा हिंदी में बोले ना। ये देखिए हमारा कुत्ता है, ये अब मालिक नहीं बोल रहा है तो हम ही बोलते हैं। इस कुत्ता का नाम है भालू। तो ये लगभग 6-7 महीने हो गया है इस कुत्ते का जन्म हुआ है। मालिक अभी बिजी है तो हम ही सब बता देते। और क्या क्यों पूछना? और आप इसको खाने में क्या क्या देते हैं? फर्स्ट पार्ट तो पेडिग्री देते थे, अभी तो नहीं देता है क्योंकि पेडिग्री बहुत महंगा है ना। तो नॉर्मल खाना देते हैं, खोले बोलता है ना वो वही देता है, और मसु नहीं देता है, मसु मसु। तो इतना ही है मेरा कुत्ता के बारे में। देखिए देखिए ये देख सकते हैं, देखिए इसको देखिएगा, ठीक है। अब इसको मैं बोलूंगा, रखो ना रखो ना, देखिए देखिए ये भूटिया लैंग्वेज भी समझता है। रखो ना मतलब इसका होता है हाथ दो, तो अभी हाथ दे रहा है ना, अभी ये बहुत आलसी हुआ है, उठता रखो ना, रखो ना।
तू